अंकल को क्या हो गया, इतना सो गया है। आज हम जा रहे हैं कहाँ? आगरा। आज हम यहाँ से निकल रहे हैं लखनऊ से और पहुँच रहे हैं आगरा, वो भी बस में। हमारी बस 8 बजे की और अभी बज रही है 6:30। मेरी हालत तो बहुत ही बेकार हो चुकी है गाइस। मैं तो शायद लग रहा है कि थोड़ी देर में क्या क्या बोल रही हूँ मैं। बेच के सोते हुए, इनको कुछ नहीं है, कुछ खबर, इनको बस सोना है। पता नहीं कैसे सो रही है। आज पता नहीं इतना की शर्म आ रही होगी, इसकी मम्मी तो सोती ही नहीं है, ना ट्रेन में करती है, ना बस में करती है, इनको बहुत शर्म पड़ता है। तब छुपा रही है क्या? ब्रश नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया, ब्रश नहीं किया, मतलब ये मुझ मैंने टट्टी नहीं की। ये देखो ये कितना खाती है, इसने इनको मैंने बोला डाइटिंग करने के लिए फ्रूटी माजा चिप्स चू। देखो कचरा हमें दे, कचरा हमें दे रहे हैं, बताओ इतना खा रहे हैं ना ये, इतना खा रहे हैं। कभी हम सो के उठ चुके हैं, ये लड़की तो बिल्कुल नहीं सोई, बट मैं तो सोई, ये आंटी भी सोई, आंटी भी सोई, और फिर ये इतना ज्यादा स्टॉक लेकर आ गई है। ये स्टॉक ये पूरा खाली कर चुकी है, आधा तो पता नहीं कहाँ होगा। बहुत बुरी बात। और दोस्तों हमें बस ने उतार दिया है बीच रास्ते में ही, और हम हो गए हैं यहाँ पे परेशान। मेरे मुंह इतना लाल लाल क्यों हो रहा है पता नहीं। अब हमें आगरा के लिए 27 किलोमीटर और कवर अप करना है। अब उसके लिए हमें गाड़ी वाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। बिल्कुल ही रियल टूरिस्ट बन चुकी हूँ मैं, आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से और लोगों का हाल। पहले हम एसी वाले में घूम रहे थे, अब हमें मिली रोडवेज की बस, उसमें तो हमें ठंडी लग रही थी, इसमें तो हमें गर्मी लगने लग गई है। आपको कैसा लग रहा है इसमें बैठ के? बहुत अच्छा। इनकी तो मुराद ही थी कि हमको इसमें ही उठाए, और इनकी भगवान ने सुन लिया और हमें इसमें ही बैठना पड़ गया। लास्ट में बस में बिठाएंगे, ये एसी का बहुत ठंडा हवा दे देता। आइए मिलते हैं दोस्तों आपको, हमें और एक और गाड़ी चेंज करनी है तो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बाय। दुर्घटना घट गई हमारे साथ, बड़े ही स्टाइल मार के एसी वाले में आए थे और अब हमें मजबूरन इसी में आना पड़ा है। पर कोई नहीं, सब कुछ देखना चाहिए, उसको स्मेल आ रही है। वो बस परेशान है बेचारी। कोई नहीं, कभी कभी हमें सब चीज़ में सफ़र करना पड़ता है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी लाइफ में ऐसे नई नई चीज़ें ट्राई करें। इतना ट्रैवल किया है मैं तो पूरी लाल पीली नीली हो चुकी हूँ। अब हम फिर से आ गए ऑटो में, लखनऊ में ऑटो में इतना ट्रैवल कर लिया है, पता नहीं क्या ही होगा। हम तो आगे आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे स्ट्रगल्स देखिए, स्ट्रगल्स। हमारी अम्मा हमारी बेचारी डर गई थी कि हम पता नहीं कहाँ खो गए। तो बहुत अम्मा जो लखनऊ आया तो कालो भाई को बहुत ज्यादा अम्मा, अब वेस्टीज प्रोडक्ट को ज्यादा इस्तेमाल कर लो हजूर। बेचारी टेंशन में अभी कुछ बोल नहीं पा रही है, कुछ खाया भी नहीं थी। अभी रुको, आप खाने के बाद, अभी आप 1 घंटे बाद देखना है। मेरे बच्चे लोग भटक गए थे, मैं बहुत परेशान हो गए थे, अब आके मिल गए हैं। थैंक गॉड। चलो अम्मा की तरफ से पार्टी, अब माता रानी की बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स हम अपने होटल में आ चुके हैं। आपको कैसा लगा था ड्राइव करते हुए? ये बहुत शर्माती है, बहुत ज्यादा शर्माती है। अब हम फ्रेश व्रेश होके जाएंगे ताजमहल। कहाँ जाएंगे? ताजमहल। अयोध्या। तो क्यों आपको बीच में अपडेट नहीं दे पाई? बिकॉज यहाँ पे बहुत गर्मी थी और मुझे नहाना था। अब हम ताजमहल के लिए निकल रहे हैं, हमने कुछ खाया भी नहीं है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, तब तक के लिए बाय। अब हम निकलते हैं, भी आने वाली है
आज हमने बहुत ट्रेडिशनल पहना है क्योंकि हम ताजमहल जा रहे हैं। कितने बार बताऊंगी वैसे कि हम ताजमहल जा रहे हैं, बट मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ फोटोज़ में देखा है, रियलिटी में कभी नहीं देखा है। मैं बोलते बोलते गाना गा देती हूँ, सॉरी गाइस, अगर आपको बुरा लगता है तो आई एम सो सॉरी। हमें फिर से ई रिक्शा में जाना पड़ रहा है, हमने तो ई रिक्शा में बैठ बैठ के ई रिक्शा ही ख़राब कर दिया है, पर बहुत मज़ा आता है इसमें बैठने में, बहुत ही ज़्यादा आनंद मिलता है, बहुत ही ज़्यादा क्या, बहुत ही फ्रेश हवा आती है, कहीं से किसी का चीज़ का झंझट नहीं है, ना विंडो ओपन करने का ना किसी चीज़ का। ई रिक्शा एक और लोग हैं आठ, और सब ऐसे मोटे मोटे लोग हैं। निधि आपको, आप इतनी उदास क्यों, ऐसे बताओ, मन नहीं भरा आपका ई रिक्शा ऑटो का सवारी लेते लेते, आपका मन नहीं भरा बिल्कुल भी? बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा ना। आपको ताजमहल आके कैसा महसूस हो रहा है? आपको ताजमहल आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, जाने का दिल नहीं कर रहा यहाँ से। तो आप यहीं बैठ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। गाइस मेरी तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है यहाँ पे, क्योंकि बहुत थक चुकी हूँ मैं। मैंने सोचा था रील्स बनाऊंगी बहुत सारी घूम घूम के, बट मेरे पे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। हम ताजमहल घूम चुके हैं, इनके शक्ल में देखो कैसे 12 बज चुके हैं। नहीं नहीं जी, सबसे यंग मैं लग रही हूँ। हाँ। इनका कहने का मतलब ये जलते हमसे। गाइस मुझे बताना आपको इन आंटी जी के बाल कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में प्लीज पक्का पक्का बताना। अम्मा कस्ता हाँ फेको बोलने कुछ, अच्छा बोलने, हाँ जुले आप लोग वेस्टी सेमिनार में इतनी कुछ बोलते रंजा। अच्छा देखो वैसे बच्चे लोग ना, वैसे बच्चे लोग जलते हैं बड़ों से, है ना, क्योंकि हम हमसे आगे ना जाए बोलकर, पर है तो हम मम्मी, हम तो है अम्मा, हम तो है दादी, हम तो है नानी, जाएंगे तो हम ही आगे। वही तो, क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो पीछे ताजमहल कितना सुंदर लग रहा है ना, और हम ही इनको लेके आए, और अब हम ही को ये बोलते हैं कि अम्मा पीछे रह जाओ, पीछे रह जाओ, आपका फोटो नहीं अच्छा लगा, सबसे सुंदर मैं हूँ। आ चुकी है, अब हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब हम फिर से नई गाड़ी में बैठेंगे। यहाँ पे आके तो बस मैं गाड़ी ही गाड़ी चेंज करी जा रही हूँ, इतना खुशनसीब इंसान और कौन होगा। हेलो फ्रेंड्स, हमने खाना खा लिया, मैं ऐसे टकली क्यों लग रही हूँ, आज व्लॉग मैं ही कर रही हूँ क्योंकि निधि की तबीयत ख़राब हो रही है, उसका पेट दर्द हो रहा है, और हमने एक बहुत ही मस्त ढाबे में कढ़ी चावल खाया। मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, आज सुबह भी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच भी नहीं किया, सीधा अभी उससे सुबह से हम बस कुछ ऐसी अनसन खा रहे थे, चिप्स वेप्स वगैरह, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, अभी बज चुके हैं 10, तो यहाँ पे मार्केट 12 बजे तक खुला रहता है, ये ताज रोड में ही, ताजमहल के सामने ही है, तो अभी हम पहले सदर मार्केट या मीना बाज़ार जाएंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। मैं आपको वहाँ की फुटेज डाल दूँगी, हो सके तो व्लॉग करूँगी, नहीं हो सका तो मैं फुटेज डाल दूँगी। बाय। चलो फिर आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे कल, हम वृंदावन जा रहे हैं यहाँ से,
मैं ऐसे थक चुकी हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो ही ब्लॉक करूँगी वरना चिल आउट करूँगी। बाय।